दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव नगला सारंगपुर की है, जहां बेटियां होने से नाराज पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, उसके बाद उसे 3 बार तलाक कह दिया और 3 तलाक का ये मामला उसी वक्त सामने आया जिस वक्त 3 तलाक बिल पेश किया जा रहा था लोकसभा के भीतर। तो 3 तलाक पर लगाम कब, और यही वजह है कि 3 तलाक को लेकर यहां पर संजीदगी दिख रही है, गंभीरता दिख रही है, सरकार की ओर से बिल लाया जा रहा है बावजूद इसके। ऐसे मामले जो हैं वो देखिए सामने भी आ रहा है, असदुद्दीन ओवैसी साहब या आजम खान साहब या फिर शशि थरूर जो जरूर कह रहे हैं कि ये पुरुष विरोधी है मामला, लेकिन इस मामले को क्या कहेंगे तुरंत। देखिए उदाहरण के तौर पर ये बुलंदशहर का मामला भी सामने आ गया कि 3 तलाक पर लगाम कब, क्योंकि बेटियां पैदा हो रही थी एक घर पर, इसीलिए शौहर ने 3 तलाक कहकर मामले को खत्म कर दिया, विवाह को ही खत्म कर दिया। तो लोकसभा में 3 तलाक बिल पेश किया गया, दूसरी तरफ उसी वक्त 3 तलाक देने का एक मामला सामने आ गया। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव नगला सारंगपुर की ये पूरी तस्वीर है, बेटियां होने से नाराज पति ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, उसके बाद उसे 3 बार तलाक कहकर उसे तलाक दे दिया, पीड़िता के साथ मारपीट करके पति और उसके परिवार के लोग मौके से फरार भी हो गए। पीड़िता थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बता दें कि 10 साल पहले पीड़िता की शादी छर्रा के गांव नसेली के अंसार अहमद के साथ हुई थी, 10 साल पहले हुआ शादी का ये रिश्ता, एक बार में एक झटके में खत्म कर दिया एक पुरुष ने। मुझे मारा पीटा। किसने मारा पीटा? मेरा आदमी ना। क्यों? मैं लोनियों को ताए न देते थे, कहते थे फिर लोनी है, फिर लौंडा नहीं हुआ कोई। पीटा 3 बार मार कूट के मुझे तलाक दियो, मेरे मैके में छोड़ गई मुझे। क्या कहा था आपके पति ने? तलाक दिया है आप? हाँ 3 बार। पुलिस में गई आप? हाँ गए थे। क्या करा पुलिस ने? उन्होंने कह दी यहाँ का कैसे मैं भी जाओ। दो लड़कियाँ समझे, इसको लड़का कोई हुआ नहीं है, तो इसलिए इसको बहुत प्रताड़ित करते हैं, सास ननद और जेठ ये तीनों है समझे, और इसको मार पीट करके हमारे गाँव के स्कूल में फेंक गए यहाँ पे समझे, उसको 3 बार तलाक तलाक करके बोल दिया है। अब इसलिए मतलब इसको देख लो क्या करना है इसका। इसके पति ने तलाक दे दिया? इसको 3 बार तलाक दिया, तलाक तलाक करके बता रही थी हमको, हमको 3 बार तलाक दिया है। पुलिस में गए आप? पुलिस में गए थे हम, थाने में बोल दिया कि वहाँ जाइए छर्रे में, छर्रे में गए तो बोल दिया पास में जाइए, अब कहाँ जाए। क्या चाहते हैं आप? हम सर अपना फैसला चाहते हैं, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। थाना पहासू पर एक आवेदिका द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो मुद्दा पहासू की रहने वाली है जिसकी शादी जनपद अलीगढ़ में हुई थी, उसके द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उसे ससुराली जन के द्वारा बेटी पैदा होने का उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, और इसी क्रम में उसके पति के द्वारा उसको 3 तलाक दे दिया गया है। उसका प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की गई है।